नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दो ऐसी होनहार लाडली बेटियों से सीएलसी स्टूडियो में मुखातिब करवाऊंगा, जो सीएलसी के एक गौरव परिवार का हिस्सा हैं। आप अलवर के नंगली ओझा एक छोटे से गांव की रहने वाली हैं। आपने नीट 2017 में, आप सुमन हैं, आपकी ऑल इंडिया लेवल पर 68वीं रैंक है। आप दीपिका हैं, आपकी ऑल इंडिया लेवल पर 519वीं रैंक है। दोनों आप कजन्स हैं। आपके परिवार में पहले से ही तीन भाई आईआईटीएन हैं, यानी इस परिवार को सीएलसी ने सफलता की पंचवेणी दी हैं। तीन आईआईटीएन और दो मेडिकोज। मैं सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत करना चाहूँगा सीएलसी स्टूडियो में। छोटे से गांव से निकल करके एक बड़ी सफलता अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान होती है। आइए हम इन दोनों बेटियों से बात करते हैं। सबसे पहले मैं सुमन से बात करना चाहूँगा। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पारिवारिक परिस्थिति की वजह से कई बार टूट करके बिखर जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए सुमन बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज ही दैनिक भास्कर ने एक बहुत अच्छा इंटरव्यू सुमन का छापा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। आपके पिता बचपन में ही देवलोक गमन को चले गए थे, उसके बाद माँ ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी करते हुए आपको पाला है, आपको पढ़ाया है। ये उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है जो परिवार की परिस्थितियों की वजह से कई बार अपने सपनों को मिटा लेते हैं, छोटा कम कर लेते हैं। दोस्तों, सुमन की ऑल इंडिया लेवल पर 68वीं रैंक और इन पारिवारिक परिस्थितियों में अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। उससे बड़ी मिसाल यह है कि यह रैंक 12वीं के साथ है, 12th के साथ है। मैं सुमन से पूछना चाहूँगा, बेटा वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने आपको सफलता के इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि आज आप सभी की प्रेरणा। एज अ स्टूडेंट, जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक सिस्टम बनाना चाहिए कि हमें कैसे पढ़ना है। आजकल की जनरेशन में क्या होता है कि देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं तो अभी ये पढ़ लिया, बाद में ये पढ़ लेंगे। अपना एक सिस्टम होना चाहिए कि कैसे हमें पढ़ना है। और बाकी अपने इंस्टीट्यूट में भी आपको सिलेबस प्रोवाइड किया होता है, इस तरह आपके डेली वीकली टेस्ट होते हैं, उनके हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। पर जैसे भी प्रिपरेशन करें, आपको उसमें मेहनत और लगन दोनों की ज़रूरत होती है, तभी आप सफलता को छू पाएंगे। थैंक यू सुमन। आप 11th क्लास में सीएलसी आई थी, 10th अपने गांव से करके आई थी। हर विद्यार्थी जब किसी कोचिंग में एडमिशन लेता है तो कोचिंग को लेकर के उसकी एक कल्पना होती है, मेरा इंस्टीट्यूट ऐसा होगा, वहां मुझे ये माहौल मिलेगा, ये कोऑपरेशन मिलेगा। आज आप सीएलसी से एक बहुत बड़ी सफलता लेकर के, और वो भी 12वीं के साथ बड़ी सफलता लेकर के जा रही हैं। एडमिशन के टाइम की इमेजिनरी सीएलसी और आज के दिन की रियलिस्टिक सीएलसी, दोनों में कितना फ़र्क है? जो आपने इमेजिन किया था और जो आपको रियल में मिला, दोनों में कितना फ़र्क? ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि जब मैं आई थी तब मुझे मतलब यहाँ का सब कुछ अजीब लगा था। सच बताऊँ तो मुझे एक बार लगा था सब छोड़ के चली जाऊँ, मुझे नहीं पढ़ना यहाँ पे। फिर धीरे धीरे, पहले से बड़ी दीदी पहले से पढ़ती थी तो इन्होंने समझाया, यहाँ पर बोलचाल भी अलग था, सब अलग था, तो बहुत अजीब लगता था। पर यहाँ के टीचर्स और स्पेशली हमारे बॉस बहुत कोऑपरेटिव हैं, वो हमें मोटिवेट करते रहते, पर्सनली हमसे हमारी प्रॉब्लम्स पूछते, उनका रिस्पॉन्स भी अच्छा आता था अगर हम रिस्पॉन्स अच्छा देते थे। बस यहाँ पे ऐसे हो गया था जैसे हमारी फैमिली हो, और 2 साल पता ही नहीं चला कब निकल गए सच में। तो बस मैं सीएलसी से ऐसे अटैच्ड हो गई हूँ कि मन नहीं करता यहाँ से जाऊँ। थैंक यू बेटा। एक परिवार के ऐसे माहौल में आप 2 साल यहाँ रहीं और ऑल इंडिया लेवल पर 68वीं रैंक लेकर के आज बहुत अच्छी और सफल मेडिकोज बनकर के निकल रही हैं। एक बार फिर से बेटा आपको बहुत बहुत बधाई। अब मैं अगला प्रश्न दीपिका से करना चाहूँगा। आप सुमन की कज़न हैं। दीपिका, आप यहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगी, सीएलसी के सिस्टम के बारे में, सीएलसी के माहौल के बारे में और अपने इस सफलता के बारे में? मैं यहाँ 2013 में आई थी तो मुझे अजीब लगता था, बट यहाँ पे आने के बाद अब तो इतना फ्रैंक हो गई हूँ मैं, इतनी फ्रेंडली हो गई। यहाँ के मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जो मैंने पहले कभी नहीं सीख पाई थी। मैं पहले बहुत अलग अकेला महसूस करती थी, पर यहाँ के रहने मैंने एक फैमिली की तरह रही, और है ना मुझे बॉस इतने कोऑपरेटिव लगे। पहले सब अलग अलग रहते थे, मुझे लगता था यहाँ पे वैसे ही रहते हैं जैसे स्कूल्स में रहते हैं, पर यहाँ तो इतना फैमिली मैटर रहता है कि हर
रोज़ हम यहाँ शाम को हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, असेंबली होती है उसमें बोस जब तक आ सकते हैं वो आते हैं हमेशा, और रात को उसके बाद कैंप की स्टडी होती है, उसमें हम अपना सेल्फ स्टडी अलग से सीरियसली कर सकते हैं और उसमें कोई ऐसे डिस्टर्बेंस वगैरह कुछ नहीं होता है। और हमें ना बोस को रात को जैसे 12 बजे, कभी 1 बजे, और कई बार तो हम 4-4 बजे तक पढ़ते थे, तो बोस मुझे खुद छोड़ के आते थे, कई बार उनकी गाड़ी जाती थी जो छोड़ के आती थी, और मैं यहीं पास में रहती थी, फिर भी बोलते थे कि नहीं मैं छोड़ के आऊँगा, मेरी जिम्मेदारी है कि है ना मैं छोड़ के आऊँ बच्चों को, और इतना कोऑपरेटिव है। तो मैं सीएलसी को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, और यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे हम इंटेरोगेट हो सकते हैं और है ना डिससर्टिफिकेशन हुए, पर हमारे बहुत अच्छी सीएलसी है, सीएलसी में आना बहुत अच्छी बात है, आप सीएलसी में ज़रूर आएँ। थैंक यू दीपिका। सीएलसी में बच्चा डिमोटिवेट नहीं हो सकता, सुमन कह रही थी, सीएलसी में बच्चा अकेलापन महसूस नहीं कर सकता क्योंकि बोस एक गार्जियन के रूप में हर पल आपकी केयर करते हैं। आपने अभी कहा कि रात को 1:30 बजे 2 बजे जब कैंप छूटता था तो या तो बोस की गाड़ी हमें छोड़ के आती थी या फिर बोस खुद हमें छोड़ करके आते थे। दोस्तों, इतनी बड़ी कोचिंग का मालिक एक बच्चे को घर तक छोड़ने के लिए जा रहा है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई दूसरी मिसाल नहीं हो सकती। एक बार फिर से इन दोनों होनहार लाडली बेटियों का सीएलसी स्टूडियो में अभिनंदन और स्वागत, आपके पूरे गौरव परिवार का अभिनंदन और स्वागत। 3 बेटे IIT में, 2 बेटियाँ मेडिकल में, सफलता की एक नई परिभाषा है आपका परिवार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।